मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बेटमा पुलिस ने 20 पेटी देसी शराब सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पश्चिम एसपी के आदेशों का पालन करते हुए बेटमा पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए एक बार फिर अपनी मजबूत इरादों का उदाहरण पेश किया। अवैध रूप से ले जा रहे 20 पेटी देसी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपये है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। कल रात 10 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बेटमा में दो लोग अवैध रूप से शराब लेकर आए हैं। गलगोया तरफ उनको देखा गया है। सूचना पर एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसआई वीरेंद्र गौर, आरक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, आरक्षक मुकेश को टीम बनाकर सूचना की तस्दीक और कार्रवाई हेतु गलगोया तरफ भेजा गया था। वहां पर सूचना के मुताबिक टीम पहुंची तो भवर सिंह राजपूत और विजय चौधरी दोनों उसके घर के पीछे अवैध शराब की 12 पेटी लिए हुए मिले, जिन्हें घेर कर पकड़ने का प्रयास किया तो विजय चौधरी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। भवर सिंह को मौके पर ही मैं 12 पेटी के पकड़ा गया है। रात में 34-2 आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की गई है। आज दिन में एक और सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मेटवाड़ा तरफ अवैध शराब परिवहन कर रहा है। सूचना पर उपरोक्त टीम को ही कार्रवाई हेतु भेजा गया था। एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र बताया गया है, उसको मैं 8 पेटी के मैं वाहन मोटरसाइकिल के मौके पर घेर के पकड़ा गया है। 34-2 की कार्रवाई की है। जब्त की गई शराब का मूल्य 80,000 रुपये है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।